योगी आदित्यनाथ का भव्य शपथ ग्रहण समारोह। तारीख मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है। योगी आदित्यनाथ दूसरे राज तिलक के लिए तैयार है। मेहमानों के आने की लिस्ट भी मुकर्रर है। सभी की निगाहें 25 मार्च पर है, जब गोरखपुर वाले महंत योगी आदित्यनाथ लखनऊ के एकाना स्टेडियम में गीता पर हाथ रखकर शपथ लेंगे और दूसरी बार राजकाज संभालेंगे। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होगा। योगी के शपथ ग्रहण वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, साथ में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरे बड़े मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहाँ मौजूद रहेंगे। योगी के शपथ ग्रहण में आने का न्योता तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी भेजा जा रहा है, लेकिन विपक्षी नेताओं की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया। कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। योगी के दूसरे शपथ ग्रहण में तमाम अतिथियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जिनके कार्यक्रम में शामिल होने की चर्चा है। जिन मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, त्रिपुरा के सीएम विप्लव कुमार देव, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे कार्यक्रम का हिस्सा। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में लखनऊ से सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। वहीं यूपी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं पार्टी की ओर से तमाम चेहरों के आगमन और उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। आरएसएस के पदाधिकारी भी होंगे शामिल। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में आरएसएस के पदाधिकारियों के भी शामिल होने की चर्चा है। दरअसल यूपी चुनाव का रिजल्ट जारी होने के बाद आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी। सरसंचालक ने गोरखपुर मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की थी। इस दौरान योगी के साथ उनकी 40 मिनट तक बैठक चली। योगी को संघ का करीबी माना जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि संघ के पदाधिकारी योगी के शपथ ग्रहण में पहुंचकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने का संदेश दे सकते हैं। स्वामी रामदेव और प्रमुख संत भी रहेंगे मौजूद। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में कई मठों और मंदिरों के पुजारियों की भी मौजूदगी रहने वाली है। योग गुरु स्वामी रामदेव भी इस मौके पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या, मथुरा, काशी और गोरखपुर समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के मठों और मंदिरों के महंत और पुजारियों के भी कार्यक्रम में पहुंचने की संभावना है। उन्हें भी आमंत्रण भेजा गया है। कई फिल्मी सितारों को भी न्योता। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में कई फिल्मी सितारों को न्योता भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार अनुपम खेर, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, कश्मीर फाइल के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री समेत तमाम सेलिब्रिटीज को भी इस कार्यक्रम में बुलावा भेजा गया है। योगी ने पिछले कार्यकाल के दौरान नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने मुंबई में फिल्म जगत के लोगों से मुलाकात कर इस मामले में राय ली थी। फिल्म सिटी निर्माण को लेकर योजना आगे बढ़ी है। माना जा रहा है इस कार्यकाल में इसे पूरा कराने की दिशा में तेजी आएगी। ऐसे में कई सितारे उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। गांव तक संदेश भेजने की है तैयारी। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का संदेश गांव तक भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सभी 403 विधानसभा सीटों से करीब करीब 100 कार्यकर्ताओं को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से 40,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता भाग लेने पहुंचेंगे। वहीं योगी सरकार को एक बार फिर बनता देखेंगे। अपने गांव तक पहुंचकर इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताएंगे और इसे साल 2024 की तैयारियों के तर्ज पर भी देखा जा रहा है। दुल्हन की तरह सजी राजधानी। योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ के सभी चौराहों, बीजेपी दफ्तर, एयरपोर्ट से ग्राउंड तक के रास्तों को सजाया गया है। लखनऊ को दुल्हन की तरह तैयार किया गया है। मेहमानों के रुकने के खास इंतजाम। बात अगर मेहमानों के ठहरने की करें तो राज्य संपत्ति विभाग ने सरकार के सभी 5 VIP और VVIP गेस्ट हाउस साकेत, यमुना, गोमती, सरयू, नैमिश्राय गेस्ट हाउस बुक करवा लिए हैं। इन सभी सरकारी गेस्ट हाउस में लगभग 1500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। इसके साथ ही PWD और बिजली विभाग के भी गेस्ट हाउस बुक कराए गए हैं। सरकारी गेस्ट हाउस के साथ साथ लखनऊ शहर के होटल्स को भी बुक कराया गया है। गैर जनपद से आने वाले पुलिस अफसरों के लिए हजरतगंज, गोमती नगर, विभूति खंड,
सरोजनी नगर, हुसैनगंज, नाका इलाके में 200 से ज्यादा कमरे बुक कराए गए हैं। बहरहाल यूपी में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने फिर से सत्ता में वापसी की। योगी 37 साल में ऐसे पहले सीएम होंगे जो राज्य के सीएम के तौर पर एक कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सत्ता संभालेंगे। बीजेपी ने 41.29% वोट हासिल करते हुए राज्य में सत्ता में वापसी की है। ऐसे में जाहिर है जोर शोर से योगी आदित्यनाथ का राज तिलक होने वाला है, जिसको और भी ज्यादा भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।